जब 4 सालों में कुछ नहीं हुआ था एक दिन में, हम भी कोई 30 मार का तो है नहीं। अपने सारे दोस्तों को MLA बना दूंगी क्योंकि मैं हट सकती हूँ एक दिन के प्राइम में, वो तो रहेंगे ना कौन से। मुझे लग रहा है मैं जिंदा ही बचूंगा इतनी खुशी होने के बाद। I would ride the metro around and be a celebrity. हेलो पीपल, मैं हिमानी भट्ट और आज हम दिल्ली वालों से जानेंगे कि अगर उन्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वो क्या करेंगे और साथ ही क्या चेंजेस लाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? मैम मैं उस चीज़ के मज़े लूँगा। मैम पहले गद्दी पे बैठ के मौज लूँगा मैं, MPs वगैरह को पहले पूरा नीचे बैठा के फुल मौज। अच्छा, बस। I would ride the metro around and be a celebrity. Be like a common people, see yeah. What are the changes which are happening. Yeah, ride the metro, walk around the streets, meet people. Yeah. Keep it modest. Probably fly a plane around a bit, I don't know, you know. Besides that, I would get my own sugarcane juice stand right outside the Prime Minister office. Wood apple juice too. 50 rupee tali. And that's, those are like my favorite things about India. So. Thank you so much. Thank you so much. मैं अपने लिए तो बहुत कुछ करूँगा मैं। क्या? अपने सारे दोस्तों को MLA बना दूँगी क्योंकि मैं हट सकती हूँ एक दिन के प्राइम में, वो तो रहेंगे ना कौन से। सही बात है। मेरा ही फायदा है। और क्या मतलब बस और इसी से सारा काम हो जाएगा ना, बचा ही MLA बना के सारा काम हो जाएगा। हाँ। I'll go on a world tour और कुछ नहीं, देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, अपने लिए करूँगा। अपने लिए तो एक दिन में सिर्फ अपने लिए कुछ करेंगे। Definitely what Modi is doing right now. Work for the country and work for the development of this country. और देश के लिए नहीं करेंगे, देश के लिए कुछ कर ही नहीं पाऊँगा मैम। एक दिन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, बहुत छोटे एरिया में कुछ कर सकूं तो कर पाऊंगा मैं, बाकी वैसे नहीं कि पूरा देश है प्रधानमंत्री के ऊपर, बहुत लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो वैसे करने के लिए तो बहुत कुछ है बट या अगर ऑन अ सीरियस नोट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारा इंडिया का आई थिंक ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे कंट्री के लिए अभी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सबकी काफ़ी ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर्स बढ़ाने हैं। तो या इंटरनेशनल रिलेशंस उसके लिए स्ट्रॉन्ग करने हैं फॉर बीइंग इनोवेटिव एंड ऑल। सो एंड बाकी तो आई थिंक रोड्स कंस्ट्रक्शंस एंड हमारे मतलब कंट्री में काफ़ी ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे रोड्स भी नहीं हैं। सो आई थिंक हाँ द डेवलपमेंट एंड इनोवेशन शुड रीच द यू नो इवन द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। सो या आपने मूवी देखी होगी नायक, ठीक है? उस बंदे ने एक दिन में, वो मूवी भी एक होता है रियल स्टोरी बेस्ड। मैं ये नहीं कहता दुनिया बदल दूंगा बट हाँ to the extent I will do something which is better to the public. And आप करप्शन के ऊपर जाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन में सेक्टर्स में करप्शन नहीं है जितना गवर्नमेंट में, which I have seen it. And मेरी कोशिश ये रहेगी कि BJP follow करेंगे आप। नहीं, BJP कांग्रेस की बात नहीं करता। अगर if I'll be a prime minister in a day, I'll do something which is better to the public then. आपको कोई एक लॉ चेंज करना हो जिस वजह से आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हो पा रही या ये लॉ आ जाए तो फिर बेस्ट है, तो वो आप क्या लाएंगे? जो आजकल जैसे रेपिस्ट का चल रहा है तो उसमें मैं कुछ चेंज डायरेक्ट डेथ पेनल्टी, उनके लिए डेथ पेनल्टी डायरेक्ट। आप सेम डेफिनेटली आई वुड लाइक टू वर्क इन द एजुकेशन सेक्टर, ब्रिंग मोर रिफॉर्म्स एंड सिंस द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया इज क्वाइट ऑब्सोल्यूट राइट नाउ, सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम मोर चेंजेस इन दैट. If I'm not wrong, I don't have a knowledge about in deep, but something to the extent corruption को हटाऊंगा सबसे पहले। Corruption के लिए we will do for corruption, मतलब we will make the law for corruption, so that कि corruption कम हो इस country में। Law में तो वही है, rape के ऊपर ही law है कि उनके लिए फिर strict rules हो और क्या कहते हैं मतलब जो भी decision आए वो एकदम फास्ट फॉरवर्ड वाले कोर्ट्स होते हैं ना, तो वो कोर्ट्स थोड़े इशू कराए जाए, मतलब उन पे ज़्यादा काम किया जाए ताकि आज ज़्यादातर यही वाली मेन प्रॉब्लम ये या फिर करप्शन तो MLA हटा देंगे लेकिन लॉस पे थोड़ा इस करप्शन आपके MLA हटा देंगे, बाकी का काम आप छोड़ देंगे। हाँ, बाकी ये है कि रेप के ऊपर मेनली फोकस होना चाहिए अभी। आई थिंक सेक्शन 377 बिकॉज because of that transgenders and all काफ़ी discriminated होते हैं. And I think for the development of our nation, everyone should have equal value and they should work equally for it. तभी we can develop, otherwise we can't. भाई ने सही बोला, जो रिजर्वेशन है वो बंदे को उसकी कास्ट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, उसकी जो आज की डेट में उसकी क्या स्थिति है घर की, उस हिसाब से देना चाहिए. तो हमने देखा, अगर दिल्ली वालों को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे. तो अगर आपके पास भी ये पावर आए तो आप क्या करेंगे, ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके. ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज़ नेटवर्क्स. लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन. टिल देन बाय बाय.